बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़गाम से ये बड़ी खबर आ रही है, सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना ने बड़ी सफलता हाथ लगाते हुए 5 लश्कर के आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। खुफिया इनपुट पर सेना और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। लश्कर से जुड़े थे 5 आतंकवादी। 5 आतंकवादियों पर UAPA के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुफिया इनपुट पर सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इन 5ों की गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आतंकियों के कई बड़े ठिकाने पर सेना को सफलता हासिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम से ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आपको बता दें, 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। फोनलाइन पर खालिद हुसैन हमारे सहयोगी श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद, ये बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है, 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, यानी इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे, कई आतंकियों के जो सरगना है उनके बारे में जानकारी हासिल हो सकती है, जो इनके ठिकाने हैं उनके बारे में भी जानकारी होगी, खुलासे होंगे। कहा है कि लश्कर तैयबा का एक टेरर मॉड्यूल जो है वो उन्होंने बस किया है, जिसमें 5 जो है एसोसिएट लश्कर तैयबा के जो है पकड़े गए हैं। उनके पास से काफी हथियार और बारूद बरामद किया गया है और कई कागजात बरामद हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ये लोग जो है शेल्टर प्रोवाइड करते थे मिलिटेंट्स को बड़गाम इलाके में, जो सेंट्रल कश्मीर में है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अपर रीच है बड़गाम के, ये दरअसल एक रूट है जो साउथ और नॉर्थ कश्मीर को जोड़ता है, जहां से मिलिटेंट अक्सर गुजरते हैं। और उनको ये लोग प्रोवाइड करते थे यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, शेल्टर और फूड्स एंड अदर एक्सेसरीज। और दूसरी बात ये है कि वो उनके कोरियर के तौर पर भी काम करते थे, उनके हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनका काम रहता था, हाइड आउट्स उनको प्रोवाइड करना था। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, जहां उन्होंने 5 जो ये एसोसिएट्स इनके मिलिटेंट्स के उनको हिरासत में ले लिया है। और अब तक अगर हम बात करें तो पूरे कश्मीर में एक अभियान चलाया जा रहा है, जहां जो एसोसिएट्स है मिलिटेंट्स के उनको हिरासत में लिया जाता है, जिन्हें OGW कहा जाता है, और ग्राउंड वर्कर्स। और अब तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 150 के करीब पूरे कश्मीर में ये हिरासत में लिए गए हैं। और ये एक नई रणनीति है, इनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके एक्टिव मिलिटेंट्स तक पहुंचा जाता है और फिर मुठभेड़ में या तो उनको हिरासत में लिया जाता है या फिर उन्हें मार गिराया जाता है। और हमने देखा है कि आज भी एक ऑपरेशन जो है सोपोर में चल रहा है, जिसमें अब तक खबर मिल रही है कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। वहीं अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष अब तक जो है लगभग 108 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है पूरी कश्मीर घाटी में। तो निसंदेह एक सफल साल रहा है सुरक्षा बलों के लिए एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन, बड़ी सफलता है। बहुत शुक्रिया खालिद, हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी दी आपने इस पूरे मामले को लेकर। नजर बना के रखिए, अपडेट जो भी आएगी अपडेट आपसे लेंगे। और इस बीच संजीव श्रीवास्तव जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत जी हिंदुस्तान पर आपका। सर, सुबह होते ही एक बड़ी खबर, बड़ी सेना को सफलता हाथ लगी, 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। सर, ये बहुत बड़ी सफलता है और भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। भारत अब आतंकवाद की किसी भी घटना को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है और किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाइयों की के लिए हर तरह से तैयार रहता है। और पाकिस्तान को ये साफ साफ मैसेज दिया जा चुका है कि अब भारत, ये जो नया भारत है, किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ भारत काम कर रहा है। और भारत की आर्मी का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो बदस्तूर जारी है और जितने भी टॉप कमांडर्स हैं, और जितने चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, या यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले
छोटे बड़े जो भी आतंकी संगठन है उनके टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया है या बहुत सालों को सारे आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। तो आज एक बहुत बड़ी सफलता इसी प्रक्रिया में मिली है और भारत का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और आतंकवाद को ये नया भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ जहाँ कहीं भी आतंकी छुपे होंगे उनको ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट है और ये पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको बता दें ये बड़ी सफलता है, आतंकियों के पास से भारी हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर से भी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर किया गया है आतंकवादियों का। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दो आतंकी मारे गए हैं इस पूरे एनकाउंटर में। सेना का ऑल आउट लगातार जारी है ऑपरेशन और ऐसे में बड़ी सफलता हाथ लग रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये खबर है, दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। एक घर में आतंकी छिपे हुए थे ये जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आपको बता दें कि वहां पर इस वक्त इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोपोर में एनकाउंटर जारी है, दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां से दो से तीन आतंकियों के छुपे होने की खबर सामने आई। सोपोर पुलिस 22 RR और CRPF की ज्वाइंट टीम ने यह ऑपरेशन किया है। खालिद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हैं। खालिद, हम देख रहे हैं एक के बाद एक बड़ी सफलता सेना को, क्या माना जाए जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर बनपे नासूर का सेना एकदम सटीक इलाज कर रही है। अब देखिए बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनसे साफ जाहिर है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑफेंसिव मोड में है, क्योंकि वर्ष 2020 के लगातार शुरुआत से ही हमने देखा है कि जहां भी ऑपरेशन हुए हैं स्पेसिफिक इनपुट्स पे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन और सफल ऑपरेशन जो है अंजाम दिए गए हैं, जिनमें अब तक जो है 108 के करीब मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं, जो अब तक किसी वर्ष में मारे जाने वाले सबसे ज्यादा आंकड़ा है अगर हम केवल जून तक की बात करें। तो इस वक्त दूसरी ये बात रही कि सोपोर में जो मुठभेड़ चल रही है उसमें दो मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर मिल रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की होना अभी बाकी है। फिलहाल वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, एक इनपुट मिला था कि आर्थशिवा गांव जो है सोपोर का वहाँ कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं और देर रात ही वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सुबह करीबन 4:30 बजे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ मिलिटेंट के साथ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और तब से इंटरमीडिएट फायर चल रहा है। अभी भी इस पूरे इलाके को घेरे में रख लिया गया है। एसओपी के तहत पहले इर्द गिर्द के जितने भी सिविलियंस थे उनको वैकेट किया गया ताकि कोई सिविलियंस पे हताहत ना हो, लेकिन निसंदेह ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहे हैं। साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर की तरफ फोकस किया जा रहा है, वहां पर मिलिटेंट्स को ट्रैप करके उनके साथ इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, कई मिलिटेंट्स को जिंदा भी पकड़ा गया है और इससे लग रहा है कि जो आंकड़ा है मिलिटेंट्स का वो बहुत कम गिर गया है, क्योंकि शुरुआती इस साल में बताया गया था कि करीबन 275 के करीब मिलिटेंट्स एक्टिव हैं, लेकिन उनमें से अब 108 मारे जा चुके हैं और इस वर्ष जो नए रिक्रूट्स हैं वो केवल 49 ही हैं, जो बहुत कम है पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें। तो इस हिसाब से जो है सुरक्षा बल का अपर हैंड है और सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट हो रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन, विस्तार से आपने जानकारी दी। माना जा रहा है कि अभी दो से तीन आतंकी छुपे हुए हैं, कोई अपडेट आएगी तो आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।